लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी ने उनके खुद को अति पिछड़ा कहने पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि आज जीएसटी, नोटबंदी और मेक इंडिया की बात नहीं हो रही है, आज केवल इस बात पर चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी किस जाति के हैं। उन्होंने कहा कि आज विकास के मुद्दे पर कोई बात नहीं की जा रही है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि चौथे चरण की सभी 13 सीटें महागठबंधन जीतेगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन इस बार बड़ी संख्या में सीटें जीतेगा। अखिलेश ने कहा कि शायद यही कारण है कि विपक्षी गठबंधन से डरे हुए हैं। देश के चुनाव में सवाल ये होना चाहिए कि बीजेपी के लोग अपना नोटबंदी का बताएं आखिर कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ है, इसी तरह जीएसटी से कितना लाभ पहुंचा है, आज एक्सपोर्ट कितना बढ़ गया है, निवेश के लिए न जाने कितने लोग उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आए थे, निवेश कितना बढ़ा है, साथ ही साथ बेरोजगारी कितनी खत्म हुई, किसान की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई, डिजिटल इंडिया का क्या हुआ, स्टैंड अप इंडिया का क्या हुआ, मेड इन इंडिया का क्या हुआ। तो ये सवाल बड़े हैं। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं बैकवर्ड हूँ, उसमें भी अति बैकवर्ड हूँ। अरे हमारी क्यों आंखें खोल रही है बीजेपी वाले लोग? बीजेपी वाले आंखें हमारी क्यों खोलना चाहते हैं? और सोचिए आप, इनके नेताओं ने क्या भाषा का इस्तेमाल किया? क्या प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी को रोका था इस बात को कि जब उन्होंने ये कहा कि अगर संविधान ना होता तो मैं भैंस चरा रहा होता? अरे हमें खुशी होती भैंस चराने में, हमें खुशी होती गाय चराने में, लेकिन क्या उनके विचार दूसरी जातियों के लिए क्या हैं, ये भी तो जाने। और अगर प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि वो पिछड़ों में भी अति पिछड़े हैं, तो कम से कम मुख्यमंत्री जी ये तो बता दें वो कौन सा काम करते रहे होंगे। ये काम तो मुख्यमंत्री बता सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भगवान की भी जाति जानते हैं। डेवलपमेंट बात ही नहीं हो पा रही है। मैं यही चाहता हूँ, इसीलिए मैंने जब लखनऊ की बात आई थी तो मैंने कहा था कि लखनऊ का जो हो चुनाव वो लखनऊ के काम पर हो। अगर मैं कन्नौज में डिंपल लड़ रही हैं तो कन्नौज के विकास पे होगा कि नहीं होगा? प्रधानमंत्री जी आए, मुख्यमंत्री जी आए, तमाम लोग आए, लेकिन क्या है, क्या काम किया उन्होंने? अगर एक सड़क दी हो उन्होंने तो बता दें हमें।